सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। सेवंथ क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 32। एक समानांतर चतुर्भुज बनाओ जिसकी दो भुजाएं AD और ABD है तथा आधार कोण X के समान दिया है। तो हमें जो दिया हुआ है हम सबसे पहले बोल लेते हैं, हमें दो भुजाएं दे रखी है, तो दो भुजाएं है, एक AD है और एक AB है। तो हम ये दोनों भुजाएं ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, एक भुजा है हमारी AB, तो AB रेखा ले लेते हैं, ये आपकी है AB, स्मॉल लेटर में ही आएगा, एक आपकी है AD, तो साथ में इसी के साथ हम एक रेखा ले लेते हैं AD, थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, ये हमारी आ गई है AD रेखा भी है AD, और एक आप में इसमें दे रखा है कोण X, तो X कोण भी ले लेते हैं, इस तरह से ये आपका कोण है, ये है आपका X। तो हमने क्या करना है, जितना आपके पास AB है ये आपकी है 7.5 सेंटीमीटर की आपकी रेखा है, 7.5 सेंटीमीटर हम यहां पे ले लेते हैं, ये हमने ले लिया है, जितनी आपकी ए बी रेखा इतना हमने ले लिया, ये आपका आ गया ए, ये आ गई बी। अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास ये एंगल दिया हुआ ना, ये इतना एंगल आपने ए पॉइंट पे बना देना है यहाँ पे, इस तरह से चाप लगा दी। अब ये दूरी इधर को कितनी है, ये आप देख सकते हैं इतनी दूरी है, तो हमें यहाँ से इसको इस तरह से काट देना है दूरी को, और इसको हमने मिला देना है आपस में कोण को, ये चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के कोण 90 डिग्री के नहीं होते, यहां से हमने हल्की रेखा लगानी है, अभी डार्क नहीं हम इसको करेंगे इस तरह से, और जो आपका एडी है इतने हम प्रकार खोलेंगे यहां से, और हमने क्या करना है ए से डी यहां काट देना इस तरह से, और ये आपकी रेखा आ गई है डी, यहां हम लिख देंगे डी, ये आपका कोण है एक्स कोण है आपका है। अब आपने क्या करना है, जितना आपने यहां से ए से डी काट रखा है इतना ही आपने बी से भी यहां से एक चाप लगा देनी है, इस तरह से हम एक चाप लगा देंगे, और आपने क्या करना है ए भी जितने प्रकार खोलनी है आपने यहां से, यहां देख सकते हैं, और आपने डी से, ये आपका डी पॉइंट है ना, ये आपका डी पॉइंट है, यहीं से आपने इस चाप को भी काट देना, जहां पे ये चाप आपस में कट रही है ये पॉइंट आपका आ गया सी। आपने क्या करना है बी से सी को मिला दो, डार्क, और सी से डी को मिला दो डार्क, इस तरह से, और आपने ए और बी को भी डार्क मिला दो, और ए और डी को भी डार्क मिला, इस तरह से ये आपका प्रश्न नंबर है 32, ये आपका बन के तैयार। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 33। एक आयत बनाओ जिसका एक कर्ण ए बी और एक भुजा ए सी के समान दी है। तो सबसे पहले हमने इसका एक कर्ण लेना है, और कर्ण आपका है ए बी,
तो हम एक कर्ण ले लेते हैं। ये हमने कर्ण ले लिया है, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी। ये आपका सॉरी स्मॉल लेटर में आएगा क्योंकि ये दी हुई रेखा है, तो ये आपने विशेष ध्यान रखना है। ये आपका ए और बी है, पर एक आपके पास इसमें दे रखी है भुजा ए सी। तो हम एक भुजा ले लेते हैं भाई, यहाँ पे एक भुजा ले लेते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं ए और सी। ये आपकी भुजा दी हुई है। अब आपने क्या करना है, जितना आपका एक कर्ण दिया हुआ है, ये कर्ण है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर पे आपने एक लाइन लगा देनी है बराबर ए सी के बराबर, ए बी के बराबर है बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं जितना आपका ये ए बी है, ये आपका है ए बी है, और यहाँ आपका है ये ए और बी। देखो आपके पास बुक में ये डॉटेड दिया हुआ, बट ये दी हुई है, तो दी हुई हमेशा लाइट आती है, डॉटेड नहीं आती। डॉटेड हमारी सहायक रेखाएं होती है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लाइट ले रहा हूँ। आप चाहो तो इसको किताब के अनुसार डॉटेड भी ले सकते हैं, पर यदि हमें दिया हुआ है तो दी हुई चीज़, दिया हुआ जो भी हमें, या कोण है या भुजा है कुछ भी है, वो हम डॉटेड ले सॉरी अपना लाइट लेते हैं। तो हमने लाइट रेखा में हमने इसको ले लिया है, दी हुई लाइन हमेशा हल्की दर्शाई जाती है, तो हमने ले लिया। और अपने इसका समद्वि भाजन करना है इस तरह से, पहले हमने बी पर प्रकारक करके आधे ज़्यादा प्रकार खोल के हमने चाप लगा दिए, हमने ए पॉइंट पर प्रकार रखनी है और यहाँ पे इसका समद्वि भाजन कर देना है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ये जो आपका समद्वि भाजन वाली रेखा है आपकी आ रही है, चापे आ रही है, इन चापों को हमें आपस में मिला देना है इस तरह से। आप देख सकते हैं जहां पे चापे आपस में कट रही है, ये पॉइंट आपका आ गया ओ। आपने क्या करना है, ओ पॉइंट पर प्रकार रखो, और ए जितनी या बी जितनी प्रकार खोल के आपने डॉटेड चाप लगा देनी, आपको यहां से वृत्त लगा देना है डॉटेड। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से वो आपके पास एक भुजा दी हुई है ए सी, आपने इतने प्रकार खोलनी है, और बी से आपने यहां काट दो, ये पॉइंट आपका आ जाएगा डी, ये पॉइंट आपका है डी, और आपने ए से यहां से आपने नीचे को लाइन लगा देनी, यहां पे काट देना है इस तरह से आप देख सकते हैं, और ये पॉइंट आपका आ गया सी। आपने क्या करना है, ए सी को आपस में डार्क मिला दो इस तरह से, बी और डी को भी डार्क मिला दो इस तरह से, और ए और डी को भी आपने डार्क मिला देना है इस तरह से, और ए सी और बी को भी आपने डार्क मिला देना है इस तरह से। और ये आपका जो प्रश्न है ये बन के तैयार हो गया। आप चाहो तो इन चापों के जहाँ पे मिल रही है, ये पॉइंट आ गया पी, ये पॉइंट आपका आ गया एन, आप इसमें भी नाम दे सकते हैं, नहीं तो ये आपका बन के तैयार हो गया। ये प्रश्न नंबर आपका है